हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मैं अभिषेक कुमार आपको गणित पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम लोग गणितीय आगमन का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। गणितीय आगमन के सिद्धांत में हमने पिछली वीडियो में प्रश्न संख्या 11 तक कवर किया था। आज की वीडियो में हम गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रश्न संख्या 12 से आगे को कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 12 हमारे पास है कि गणितीय आगमन के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 ए आर की पावर n माइनस 1 बराबर a ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। ठीक है ना, हम लोगों को गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करके सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दिए गए स्टेटमेंट को pn स्टेटमेंट लिखेंगे। pn such that a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए आर की पावर एन माइनस वन बराबर ए ब्रैकेट में आर की पावर एन माइनस वन अपान आर माइनस वन। ठीक है ना, ये हमारा हो गया क्या, स्टेटमेंट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एन बराबर एक लेंगे। ठीक है ना, एन बराबर एक के लिए, एन बराबर एक के लिए क्या ये बातें सत्य हो रही है कि नहीं। तो एन बराबर अगर एक लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, पी वन सच दैट, वन का मतलब हो जाएगा सिर्फ एक पद। तो एक पद हमारा यहाँ से कौन हो जाएगा, सिर्फ एक। और क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर a ब्रैकेट में r की पावर कितना, n का मान हमने एक लिया है, एक माइनस वन बटा कितना, r माइनस वन। देखिए यहाँ हो जाएगा a बराबर, यहाँ a रहेगा ब्रैकेट में r माइनस वन अपान क्या, r माइनस वन। r माइनस वन से r माइनस वन क्या हो जाएगा, कट जाएगा और बराबर हो जाएगा क्या, a बराबर किसके, a के। हम लोग लिखेंगे क्या, LHS जो है वो किसके बराबर है, RHS के बराबर हो गया। जब LHS किसके, RHS के बराबर हो जाता है तो हम लोग लिखते हैं कि n बराबर 1 के लिए जो दिया गया कथन है वो क्या है, सत्य है। लिखेंगे n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन क्या है, सत्य है। दिया गया कथन क्या है, सत्य है। अब n बराबर अगर 1 के लिए दिया गया कथन हमारे पास सत्य है तो हम आगे के लिए क्या करते हैं, दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर n बराबर k और k प्लस 1 के लिए सत्यता की जांच करते हैं। तो n बराबर k की बात करते हैं, किसके, मान लेते हैं, माना n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए। तो n बराबर k के लिए हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा पी के सच दैट, क्या हो जाएगा, पी के सच दैट क्या, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ, ए आर पावर के, यन की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग, यन की जगह के रख रहे हैं, तो हो जाएगा के माइनस वन बराबर ए ब्रैकेट में आर की पावर के माइनस वन अपान आर माइनस वन। ठीक है ना, अच्छा ये के स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, इसे हम लोग क्या बनाते हैं, समीकरण नंबर एक भी बनाते हैं। ध्यान से देखिए, लिखेंगे क्या, यन बराबर एक के लिए, यन बराबर, अच्छा यन बराबर एक नहीं, यन बराबर के लिए दिया गया कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, क्यों सत्य है, क्योंकि n बराबर जब पी n स्टेटमेंट था तो एक के लिए सत्य था, तो उसी प्रकार से ये पी के स्टेटमेंट है, तो जब n बराबर एक के लिए सत्य है तो k के लिए भी क्या होगा, हमारा कथन सत्य होगा। ठीक है ना, आगे क्या लिखेंगे, मान लेते हैं, माना n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा p k प्लस 1 सच दैट a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग n की जगह क्या रख रहे हैं, k प्लस 1, क्या हो जाएगा, a r की पावर k प्लस 1 माइनस 1, हमने n की जगह क्या रख दिया, k प्लस 1 और माइनस 1 यहाँ क्या है, पहले से है, बराबर क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट में r की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपान r माइनस 1। ठीक है, ये रहा हमारा k प्लस 1 स्टेटमेंट। अब इसे थोड़ा सॉल्व करके आगे लिखते हैं, देखिए क्या करके लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए ये k प्लस 1 स्टेटमेंट है ना, तो k प्लस 1 स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट पहले लिखिए, जैसे अगर ये 10वां स्टेटमेंट होता और हमें इसे एक पहले लिखना होता तो हम लोग कौन सा स्टेटमेंट लिखते, 9 लिखते, तो एक कम करके लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a r की पावर क्या, k माइनस 1। ठीक है,
यहां हो जाएगा ए आर की पावर क्या के माइनस वन, एक कम स्टेटमेंट लिख रहे हैं के स्टेटमेंट, तो के स्टेटमेंट में यहां हो जाएगा के माइनस वन, ठीक है। और के प्लस वन स्टेटमेंट हो जाएगा ए आर की पावर एक से घट कर जाएगा जीरो, तो ए आर की पावर क्या हो जाएगा के, बराबर क्या हो जाएगा ए ब्रैकेट में आर की पावर के प्लस वन माइनस वन, ठीक है, अपान हो जाएगा आर माइनस वन। अब देखिए इसे हम लोग क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर दो बनाएंगे, ठीक है, या अभी रुकिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये k प्लस वन का स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट से LHS और RHS में से किसी एक पद को लेकर के दूसरे पद को लाएंगे, मतलब LHS अगर लेते हैं तो RHS और RHS लेते हैं तो LHS, यदि दोनों आपस में बराबर होते हैं और कैसे बराबर होंगे, समीकरण के प्रयोग से, तो वो क्या कहलाएगा, गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग कहलाएगा और वह इस प्रकार क्या हो जाएगा, सिद्ध भी हो जाएगा। तो चलिए हम इसमें से LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या है ए आर की पावर के माइनस वन प्लस ए आर की पावर के, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये LHS हो गया, देखिए ए आर की पावर के है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, इसे बनाएंगे समीकरण नंबर दो, देखिए समीकरण नंबर दो में समीकरण एक का प्रयोग करना ही तो हमारा क्या कहलाता है, गणितीय आगमन का सिद्धांत कहलाता है। तो क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि समीकरण दो में, समीकरण दो में समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या करने पर, मान रखने पर, मान रख दे, मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 ए आर की पावर के माइनस वन, देखिए ए आर की पावर के माइनस वन यहां तक का, ठीक है, ये स्टेटमेंट प्लस हमारे पास क्या बचेगा ए आर की पावर के, इतने का मान हम अगर रखें तो इतने का मान क्या हो जाएगा, ये समीकरण एक से ये हो जाएगा क्या a ब्रैकेट में r की पावर k माइनस वन अपान क्या r माइनस वन, ठीक है। आगे देखिए ये क्या हो जाएगा प्लस, यहां बचा क्या हमारे पास a r की पावर k, देखिए सबसे पहले तो एलसीएम लेके दोनों को सॉल्व करेंगे आसान से, ध्यान देखिए इसका बटा क्या करेंगे एक करेंगे तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा हमारा क्या, एलसीएम की बात करें तो यहाँ हमारा एलसीएम हो जाएगा आर माइनस वन, ठीक है, r माइनस वन का, अच्छा एक का गुणा यहाँ होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, a ब्रैकेट में r की पावर k माइनस वन प्लस इसका गुणा यहाँ होगा तो ये हो जाएगा a r की पावर k ब्रैकेट में r माइनस वन, ठीक है। अगर हम इन दोनों पदों को देखें तो हमारे पास ये दो पद हैं, एक पद ये है और ये दूसरा पद है, ये पहला पद है और ये कौन दूसरा पद, और इन दोनों में कौन है, a तो कॉमन हो ही सकता है क्योंकि a यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों में से a बाहर कर लीजिए, जब a कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा r की पावर k माइनस वन, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा प्लस, यहाँ क्या बचेगा r की पावर k जो कि अंदर जाके क्या हो जाएगा गुणा, जब r की पावर k का अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा r की पावर k और यहाँ r की पावर प्लस वन हो जाएगा, फिर r की पावर r के साथ r की पावर k का r के साथ गुणा हुआ तो r की पावर k प्लस वन हो गया, r की पावर k का गुणा एक के साथ होगा तो माइनस r की पावर क्या हो जाएगा k हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा पूरे का बटा हो जाएगा r माइनस वन, ठीक, r की पावर k से घट के क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, जो बचा उसे लिख लीजिए क्या हो जाएगा a ब्रैकेट में r की पावर k प्लस वन माइनस वन और पूरे का बटा r माइनस वन, ये रहा क्या, देखिए ये हमारा कौन है RHS और हमने LHS से क्या ला दिया है RHS ला दिया है, ये हमारा पास क्या है RHS, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः, या लिखें RHS बराबर LHS पहले लिख देते हैं फिर क्या लिखेंगे, अतः PMI से, अतः PMI से क्या होता है, PMI से मतलब गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से फॉर ऑल एन इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए, सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए दिया गया कथन, दिया गया कथन क्या है सत्य है, दिया गया कथन क्या है सत्य है, ठीक है। ये रहा आपका क्या प्रश्न संख्या 12, ध्यान से देखिएगा और इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए। बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न, देखिए प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 हमारे पास है 1 + 3/1 अगले ब्रैकेट में 1 + 5/4 अगले ब्रैकेट में 1 + 7/9 अगले ब्रैकेट में इनटू करके सब ब्रैकेट है, ठीक है, अगले ब्रैकेट में नहीं लिखते हुए डॉट डॉट करके लिखते हैं डॉट डॉट अगले ब्रैकेट में 1 + 2n + 1/n² ठीक है, बराबर क्या हमारे पास n + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए
सबसे पहले तो हम लोग इस दी गई सवाल को क्या करेंगे, स्टेटमेंट की फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट की फॉर्मेट में लिखने का मतलब कि इस सवाल को हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे फॉर्मेट बना लेते हैं पीएन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या पीएन। सब देखिए पूरा हमारा क्या है, ये पॉलिनोमियल जो अगर मान लीजिए इसे बहुपद मान रहे हैं आप, तो पी ऑफ एन जो बहुपद है वो किसका है, एन का है, तो सब एन में दिख रहा है आपको। ठीक है, इसी प्रकार ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम, पीएन तो हमारे पास मिल गया ना, अब क्या करेंगे हम सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, पीएमआई का प्रयोग करें और क्या करें, एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव करें। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करते हैं, एन बराबर एक लेते हैं, एन बराबर क्या लेते हैं एक के लिए, एन बराबर एक के लिए, एन बराबर एक के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एन बराबर एक के लिए हमारे पास हो जाएगा पी वन, क्या हो जाएगा पी वन। हमने आपको सिखाया है कि एलएचएस से एन बराबर एक का मतलब यह होता है कि एक पद, कितना पद, एक पद। ठीक है, एक पद होगा तो एक पद कौन हो जाएगा P1 such that 1 plus 3 upon 1। ठीक है, और बराबर हो जाएगा यहां n का मान कितना रखेंगे, एक रखेंगे, ये हो जाएगा 1 plus 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए तीन से एक में भाग देंगे तो तीन ही होगा, और तीन को एक में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा चार, बराबर दो और एक, और एक कितना होगा दो, और दो का वर्ग कितना हो जाएगा चार। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, LHS बराबर क्या RHS, yes. तो क्या लिखेंगे, जब LHS हमारा RHS के बराबर हो जाता है तो हम लिखते हैं कि n बराबर एक के लिए, n बराबर एक के लिए दिया गया कथन क्या है, सत्य है। अगर n बराबर एक के लिए सत्य है तो हमने आपको सिखाया है कि गणितीय आगमन सिद्धांत में एक दो तीन चार ऐसे तो चेक नहीं करेंगे, हम गिनी दो कॉन्सिक्यूटिव दो क्रमांक संख्याओं पर चेक कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं उन संख्याओं पर चेक करने का, क्या करेंगे, मान लेंगे माना n बराबर k के लिए, अगर k और k प्लस वन के लिए बात सत्य हो जाती है तो फॉर ऑल सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए बातें क्या होंगी, सत्य होंगी। देखिए n बराबर k के लिए, किसके लिए, k के लिए, तो हमारा जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो पी के हो जाएगा सच दैट 1 प्लस 3 अपान 1, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस 5 अपान 4, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस 7 अपान 9, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा डॉट 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 1 प्लस 2, या जहां जहां यन दिख रहा है, इस बार हमारा के स्टेटमेंट है तो जहां जहां यन दिख रहा है वहां वहां हम लोग क्या रखेंगे के, तो यह हो जाएगा कितना 2k प्लस 1 अपान के का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसे बना लेंगे समीकरण नंबर एक। ध्यान से देखिएगा अगली स्टेप, देखिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेप गणितीय आगमन सिद्धांत में जो जो स्टेप है वो है k का स्टेटमेंट और k प्लस वन स्टेटमेंट। एक के लिए तो सब सिद्ध कर लेते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है आगे के स्टेपों में। ध्यान दीजिए n बराबर k के लिए क्या लिखेंगे, अतः n बराबर k के लिए दिया गया कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, अगर n बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य है तो हम आगे बात करेंगे क्या, किसके लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा p k प्लस 1 सच दैट क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 अपान 1, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस 5 अपान 4 इंटू अगले ब्रैकेट में 1 प्लस 7 अपान 9 इंटू डॉट 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 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहां जहां जहां के दिख रहा है वहां वहां हम लोग क्या रखेंगे के प्लस वन, ध्यान से रखिए यहां के प्लस वन, तो ये हो जाएगा वन प्लस, यहां हो जाएगा टू ब्रैकेट में के प्लस वन अपान के प्लस वन का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा के प्लस वन का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा आगे चल के लिखते हैं जिसमें हम लोग के को भी शामिल करेंगे, ये तो के प्लस वन का स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, आगे वाले स्टेटमेंट में देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस 3 अपान 1 अगले ब्रैकेट में इंटू 1 प्लस 5 अपान 4 और अगले ब्रैकेट में 1 प्लस 7 अपान 9 डॉट डॉट डॉट, ये के प्लस 1 स्टेटमेंट है ना, इससे पहले जो स्टेटमेंट आएगा जो कथन जो पद होगा वो कौन सा होगा, केवा पद होगा, यनवा पद होगा, के पद हम लिखेंगे, के पद लिखेंगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस 2 के प्लस 1 अपान के प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा सॉरी, यहां के स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो के जहां जहां यन है वहां वहां क्या रखा जाएगा, के रखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 अपान क्या के स्क्वायर। ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा, k प्लस 1 स्टेटमेंट,
वन प्लस टू के प्लस टू प्लस वन अपान के प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा के प्लस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें से LHS उठाएंगे और RHS को लाने का क्या करेंगे प्रयास। ठीक है, RHS प्रयास ही नहीं लाएंगे तभी तो सिद्ध कर पाएंगे ना हम। तो देखिए क्या लेते हैं LHS, LHS हमारे पास क्या हो जाएगा, LHS हमारे पास हो जाएगा वन प्लस थ्री अपान वन इंटू वन प्लस फाइव अपान फोर। ठीक है, अगला हो जाएगा वन प्लस सेवन अपान नाइन इंटू डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहां हो जाएगा क्या वन प्लस क्या टू के प्लस वन अपान के स्क्वायर इंटू, ध्यान से देखिए यहां जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दो और एक कितना मिलके हो जाएगा तीन। ठीक है ना, ये हो जाएगा कितना वन प्लस टू के प्लस तीन बटा कितना हो जाएगा के प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग इसे क्या बनाएंगे, इसे समीकरण नंबर दो बनाते हैं। क्या बनाते हैं समीकरण नंबर दो, और क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि समीकरण दो में, समीकरण दो में कहां से समीकरण एक से, समीकरण एक से मान रखने पर। चलिए भैया मान रख दीजिए, अगर आप मान रखेंगे तो कितने का मान रखेंगे यहां से लेकर के यहां तक के तक, कहां तक के तक, देखिए के तक का मिल रहा है ना वन प्लस टू के प्लस वन इंटू के स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा के प्लस वन का होल स्क्वायर इतने का इंटू क्या हो जाएगा इंटू, ध्यान से वन प्लस टू के प्लस थ्री अपान के प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रहा, क्या करेंगे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये हो जाएगा के प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू इसका गुणा यहां हो जाएगा तो के प्लस k प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू के प्लस थ्री अपान कितना हो जाएगा k प्लस वन का होल स्क्वायर, k प्लस वन का होल स्क्वायर से k प्लस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहां बचेगा क्या k प्लस वन का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए k स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस कितना 2k प्लस 2k यहां पहले से है और तीन भी है, देखिए k प्लस वन का होल स्क्वायर हमने यहां तोड़ दिया 2k यहां है तीन भी यहां है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k स्क्वायर 2 और 2 कितना 4k प्लस कितना 4। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा क्या k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं k प्लस 2 का क्या होल स्क्वायर जो कि क्या है हमारा RHS। ठीक, तो देखिए ध्यान से RHS हमारा क्या हो गया k प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग लिखेंगे क्या कि यदि LHS बराबर हमारा क्या हो जाता है RHS हो जाता है, तो हम लोग लिखते हैं अतः, क्या लिखते हैं अतः PMI से, अतः PMI से फॉर ऑल एन इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए, फॉर ऑल एन इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए दिया गया कथन क्या है सत्य है। ठीक है ना, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध होता है कि ये जो दिया गया स्टेटमेंट है वो क्या है सत्य है। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और नोट कर लीजिए इसे या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 हमारे पास है 1 प्लस 1 अपान 1। ठीक है, अगला है 1 प्लस 1 अपान 2, अगला है 1 प्लस 1 अपान 3 इंटू में सब है इंटू डॉट 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 1 प्लस 1 अपान n। ठीक है, और बराबर है हमारे पास n प्लस 1। ठीक है, ये है, देखिए क्या करेंगे हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत से इसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को ही क्या लिख लेते हैं पीएन, क्या लिख लेते हैं पीएन, पीएन बराबर हमें दिया क्या है 1 प्लस 1 अपान 1, 1 प्लस 1 अपान 2, 1 प्लस 1 अपान 3 इंटू 1 प्लस 1 अपान एन बराबर एन प्लस 1। ठीक है ना, ध्यान से देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे एन बराबर 1 लिखेंगे, तो एन बराबर 1 के लिए बात को सत्य साबित करेंगे, तो एन बराबर कितने के लिए 1 के लिए, ध्यान से देखिए n बराबर 1 के लिए अब तो आसान हो गया होगा आपके लिए क्योंकि हम लोग अब सवालों को लगाते लगाते प्रश्न संख्या कहां तक पहुंच चुके हैं 14 तक पहुंच चुके हैं, तो निश्चित रूप से आपको n बराबर 1 और n बराबर k तो जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए n बराबर 1 के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे LHS से, मतलब पहला वाला पद लिखेंगे, तो पहला वाला पद हमारे लिए क्या हो जाएगा पी वन सच दैट वन प्लस वन अपान n, ये देखिए 1 प्लस 1 अपान 1। ठीक है, और बराबर हो जाएगा यहां क्या लिखेंगे n का मान 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरा मिलाकर के इधर भी 2 और इधर भी कितना 2, तो ये हो गया क्या हमारा LHS
बराबर आर एच यस। अगर ये लेचस आर एच एस के बराबर होता है तो आप जानते हैं ना कहानी क्या लिखनी है, या एक डायलॉग लिखना होता है, वो डायलॉग क्या क्या लिखना है, एन बराबर एक के लिए, एन बराबर एक के लिए दिया गया कथन क्या है, सत्य है। समझ गए ना, आप इसे डायलॉग ही समझें, क्योंकि इसे हर सवाल में क्या करना हो रहा है, दोहराना हो रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हम लोग, हमारा अगला डायलॉग क्या होगा कि एन बराबर मान ले के, माना एन बराबर के लिए, एन बराबर के लिए, ठीक है, एन बराबर के लिए हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो पी के हो जाएगा, पी के सच दैट क्या हो जाएगा, वन प्लस वन अपान वन इंटू वन प्लस वन अपान टू इंटू वन प्लस वन अपान थ्री इंटू डॉट डॉट डॉट, क्या हो जाएगा, वन प्लस वन अपान के बराबर के प्लस वन, ठीक है। इसे हम लोग क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर एक, ठीक है। आगे देखिए, अब एन बराबर एक के लिए भी वही बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन बराबर के लिए दिया गया कथन क्या है, सत्य है, दिया गया कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। आगे बात करें तो मान लेते हैं, माना एन बराबर के प्लस वन के लिए, के प्लस वन के लिए, तो एन बराबर के प्लस वन के लिए क्या हो जाएगा, पी के प्लस वन सच दैट, पी के प्लस वन सच दैट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, वन प्लस वन अपान वन, वन प्लस वन अपान टू, वन प्लस वन अपान थ्री इंटू डॉट डॉट डॉट, वन प्लस वन अपान के प्लस वन। देखिए एन है ना, तो एन की जगह क्या लिखेंगे, के प्लस वन, और क्या हो जाएगा, बराबर के प्लस वन और प्लस वन, ठीक है। ये देखिए एन है तो यहाँ के रख, के प्लस वन रखेंगे, और यहाँ एक प्लस क्या है, पहले से है, इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं अगली लाइन में, तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वन अपान वन, वन प्लस वन अपान टू, वन प्लस वन अपान थ्री इंटू डॉट डॉट डॉट, वन प्लस वन अपान के। ध्यान देखिए, ये के प्लस वन स्टेटमेंट है ना, अगर इसे पहले का स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो के स्टेटमेंट कहलाएगा, तो वन प्लस वन अपान क्या हो जाएगा, के इंटू वन प्लस वन अपान के प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा, के प्लस टू, ठीक है। यहां से हम लोग क्या उठाएंगे, एल एच एस, क्या उठाएंगे, एल एच एस, देखिए ध्यान से, एल एच एस, एल एच एस हमारे पास क्या हो जाएगा, एल एच एस हो जाएगा वन प्लस वन अपान वन, वन प्लस वन अपान टू, अगला हो जाएगा वन प्लस वन अपान थ्री, वन प्लस वन अपान फोर इंटू डॉट डॉट डॉट, क्या हो जाएगा, वन प्लस वन अपान के इंटू वन प्लस वन अपान के प्लस वन, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, एल एच एस, और इसे बनाएंगे समीकरण नंबर दो, और लिखेंगे कि समीकरण दो में, समीकरण दो में कहाँ से, समीकरण एक से, समीकरण एक से। देखिए हम लोगों पास जो टेक्निक है वो यही तो टेक्निक है कि समीकरण नंबर दो में समीकरण एक का प्रयोग करें, और प्रयोग करके उसे प्रूव करें। अगर प्रूव कर लेते हैं तो गणितीय आगमन सिद्धांत से वो सवाल क्या हो जाती है, हमारे लिए सिद्ध हो जाती है। तो हम लोग समीकरण दो में समीकरण एक से क्या कर रहे हैं, वैल्यू रख रहे हैं। अब वैल्यू किसकी रख रहे हैं, के स्टेटमेंट तक की, यहां से लेकर के यहां तक की, ठीक है, यहां तक की। अगर यहां से यहां तक की वैल्यू देखें तो के स्टेटमेंट की वैल्यू क्या है, के प्लस वन है, तो यहां हो जाएगा हमारा क्या, के प्लस वन इंटू क्या बच रहा है, वन प्लस वन अपान के प्लस वन, ठीक है। सरल कर लीजिए, सरल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के प्लस वन यहाँ हो जाएगा, इसका यहाँ गुणा होगा तो के प्लस वन अपान क्या हो जाएगा, के प्लस वन, के प्लस वन से के प्लस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, के प्लस टू, क्या बचेगा, के प्लस टू। ये देखिए के प्लस टू हमारा क्या है, आर एच एस है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा, आर एच एस, ठीक है। क्या लिखेंगे, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से फॉर ऑल एन इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए दिया गया कथन, दिया गया कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। देखिए व्यवहारिक जीवन में अगर इसके उपयोग की बात करें, आप गणितीय, हम लोग ये सब बार बार के प्लस वन ऐसा क्यों कर रहे हैं, और गणितीय व्यवहारिक जीवन में इसके उपयोग क्या है, तो इस व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर लिए आपने थोड़ा बहुत तो अंदाजा लगाने का प्रयास किया होगा कि यदि क्या हो, कुछ टाइल्सों को इस प्रकार सजाया गया हो, ठीक है ना, इस प्रकार ऐसे टाइल्स हैं इनको इस प्रकार सजा के रखा गया है, ठीक है, मतलब एक के पीछे एक को सजा के क्या किया गया है, रखा गया है। क्या करें, अगर एक टाइल्स पे थोड़ा सा धक्का मारेंगे तो अगली पूरी टाइल्स क्या हो जाएगी, गिरती चली जाएगी, इसकी संभावना ही क्या कहला रही है, गणितीय आगमन का सिद्धांत। देखिए उसी प्रकार से तो हम लोग एन बराबर क्या एक के लिए सिद्ध कर ले रहे हैं,
समझ रहे हैं? फिर k प्लस वन के लिए सिद्ध कर रहे हैं, k के लिए सिद्ध कर रहे हैं, तो k प्लस वन के लिए स्वयं सिद्ध हो जा रहा है। कैसे? यदि आप k का मान एक लेंगे तो यहाँ k का मान एक रखेंगे तो दो के लिए सवाल स्वयं सिद्ध हो जाएगी, यहाँ दो लेंगे तो यहाँ तीन के लिए सिद्ध हो जाएगी, यहाँ चार लेंगे तो यहाँ पांच के लिए सिद्ध हो जाएगी। इस प्रकार से ये सवालें क्या हो रही होती हैं, अपने आप अगले नंबर के लिए भी सिद्ध हो जाती हैं। यही तो हमारा क्या कहलाता है, गणितीय आगमन का सिद्धांत। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।